तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, भाई आखिर सैमी ज़ेन कब हिल टर्न करने वाले ब्लडलाइन के अगेंस्ट। तो भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा क्या सच में रोमन रेंज और केविन ओवंस का मैच वगैरह नहीं होने वाला, क्योंकि रोमन रेंज ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह नहीं किया। और साथ ही साथ फिंड और अंकल हॉड, ये दोनों का क्या रिलेशन होने वाला एक्चुअली रॉयल रंबल के अंदर, मैं सारा कुछ आपको डिस्कस करने वाला। वीडियो बहुत कमाल का होने वाला, तो बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और भाई साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नहीं हो, भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोग को मेरे से पर्सनली बात करना, भाई सारे लोग मेरे ग्राम के ऊपर आ सकते हो, सबसे मैं बात करता हूं पर्सनली। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीक का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप के बारे में। देखो मैं क्लियरली बता रहा हूं, मंडे नाइट रॉ से बेकार था इस बार का स्मैकडाउन। लास्ट में बल्कि थोड़ा सा सेगमेंट था, पर हां उतना कमाल का नहीं था स्मैकडाउन का। सो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। और जो व्यूअरशिप निकल कर सामने है, वो भी पिछले वीक से बहुत कम है, जो कि 2.113 मिलियन, मतलब अराउंड में आप ऐसा लिख सकते हो 2.1 मिलियन इस बार का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप आया। इससे पिछले वीक आई थिंक 2.25 मिलियन के करीब आया था, मुझे अगर याद है। एक और चीज बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे थे, भाई आखिर रोमन रेंज कैसे पिट गए, वो भी केविन ओवंस जैसे रेसलर। और सिर्फ इतना ही नहीं, केविन ओवंस पूरा का पूरा ब्लडलाइन को ही कैसे अकेले धो दिया। तो भाई बहुत सिंपल सा स्टोरी है इसके पीछे। देखिए केविन ओवंस और रोमन रेंज का अगर एक स्टोरी अगर दिखा रहे डब्ल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर केविन ओवंस को वीक नहीं दिखाया गया स्टार्टिंग में, केविन ओवंस को भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब क्रॉन ज्वेल के अंदर लोगन पॉल को नहीं संभाल पा रहे थे रोमन रेंज, मतलब लोगन पॉल को अगेंस्ट में लाना पड़ा पूरे ब्लडलाइन को वहां पर। तो बस आप ऐसा समझ लिये कि स्टोरी लाइन को इंप्रूव करने के लिए अगला रेसलर बहुत ज्यादा वीक नहीं है, ये दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रॉक के बारे में, जिनके बारे में अभी रिसेंट टाइम में थोड़ा सा सैड न्यूज निकल कर सामने आया। रिसेंट टाइम में ये रिपोर्ट डे मेल्जर के तरफ से निकल कर सामने आया, मतलब रॉक ऐसा बोल रहा है डब्ल्यू ले वालों को कि अभी मैं अपना बेस्ट बॉडी फिजिक में नहीं हूं, तो इसलिए मैं मैच रेसल वगैरह नहीं कर सकता हूं रॉयल रंबल के अंदर या फिर रेसलमेनिया के अंदर। और अगर सच में अगर ऐसा है तो रॉक आपको नहीं देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल के अंदर भी और रेसलमेनिया के अंदर। देखो इसके ऊपर मेरा क्या कहना है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि रॉक नहीं आने वाला, शायद से रॉक आने ही वाले हैं, और सिर्फ एक मैच का तो बात है, वो शायद से आ सकता है। और सच में अगर रॉक अगर रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया के अंदर अगर नहीं आए, तो भाई बहुत ज्यादा हेट मिलेगी, मतलब आपका पूरा कैरियर डब्ल्यू ली की वजह से बना। पिछले 5 साल से डब्ल्यू ली के सारे फैंस का ड्रीम है आप आकर एक मैच रेसल कर लो। मुझे पता है रॉक बहुत बड़े एक स्टार है, पर एक मैच के लिए नहीं आ सकते एटलीस्ट, मतलब बहुत ज्यादा ये बुरा पर्सनली मुझे भी फील हो रहा है। आप लोग क्या ख्याल है, क्या रॉक आने वाले या फिर नहीं आने वाले, सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सबका कमेंट का प्रॉपर में रिप्लाई करने वाला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रॉक 13 यूनिवर्सिटी जो कि परसों होने वाला, उसके अंदर जितने भी मैचेज होने वाले सारे मैचेज का मैं रिजल्ट आपको बताने वाला। सबसे पहले अगर हम बेली और बैकी लीच के मैच के बारे में बात करें, तो इस मैच के अंदर आई थिंक क्लियर फेवरेट यहाँ पर दिखाई जा रही है हमारी बैकी लीच। आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा फिर से अपना फेस कैरेक्टर के अंदर वापस आ चुके, तो भाई इस मैच के अंदर जीतने वाले हमारे बैकी लीच। वैसे आप लोग सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपना भी राय जरूर से दीजिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मैच का बात करें, जो कि पर्सनली मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है गेस करना इस मैच के अंदर आखिर कौन जीतने वाला है। तरफ हमारे जो जजमेंट है वो डिजर्व करते हैं एक चैंपियनशिप बेल्ट लेना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट जीत कर आए इस मुकाम के ऊपर। दूसरी साइड अगर आप देखें, तो आपको ऑलरेडी पता होगा डब्ल्यू वाले स्प्लिट करना चाहते हैं टाइटल इस पॉइंट के ऊपर। और तीसरी चीज अगर हम उसोज के तरफ से देखें, तो भाई उसोज अभी चैंपियनशिप बेल्ट हारना डिजर्व नहीं करते, एटलीस्ट रेसलमेनिया से पहले डिजर्व ही नहीं करते। भाई देखो यहाँ पर होने के लिए तो कुछ भी हो सकता, पर हाँ मेरे ख्याल से इस मैच के अंदर चैंपियनशिप बेल्ट डिफेंड करने वाले हमारे उसोज, मतलब उसोज किसी भी तरह से इस मैच के अंदर हारना डिजर्व नहीं करते, हार नहीं सकते, अभी उसोज के हाथ में ही दोनों चैंपियनशिप बेल्ट रहने वाला है। वैसे आप सब लोग अपना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल राय दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला इस मैच के अंदर। नेक्स्ट अगर हम फाइनल मैच का बात करें, जो कि आई थिंक मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट भी करेगा, जो कि होने वाला ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लेसली फॉर यूएस चैंपियनशिप बेल्ट। देखो भाई इस मैच के अंदर बहुत सिंपल सा चीज है, अगर ये मैच अगर फेयर भी होता है तो बॉबी लेसली इजीली इस मैच को जीत जाने वाले। और ऐसे भी अगर आपको पता होगा, तो हर्ट बिजनेस आजकल बॉबी लेसली के पीछे चल रहे हैं, ओमोस चल रहे हैं और ये एमवीपी चल रहे हैं दोनों। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो भाई ऑस्टिन थ्योरी के पास तो कोई चांस ही नहीं बचता इस मैच के अंदर जीतने। और भाई थोड़ा सा सबर कर लो, क्योंकि आप लोग को पता है बॉबी लेसली का आगे फ्यूड होने वाला है हमारे ब्रॉक लेसनर के साथ, तो इसलिए बॉबी लेसली नहीं जीतने वाले इस मैच के। देखो इस मैच के अंदर आपको ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस का आपको इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, जो कुछ भी हो, पर मेरे अकॉर्डिंग इस मैच के अंदर बॉबी लेसली के हाथ में चैंपियनशिप बेल्ट नहीं आने वाला है। वैसे आप सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर से दे सकते हैं, मैं सबका कमेंट पढ़ने वाला। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने सेकंड लास्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ा हमारे ब्रे वाइट से रिलेटेड। तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा लास्ट स्मैकडाउन के ऊपर क्या हुआ, ब्रे वाइट का जो फायरफ्लाई फैन हाउस जो था वो भी वापस आ गया, जस्ट उसके बाद से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलना शुरू हो चुका है हमारे फिंड के बारे में, कि फिंड रिटर्न आने वाले डब्ल्यू के अंदर फिर से एक। तो देखो भाई ऑलरेडी मैंने 2 वीक पहले भी इस बात को बताया था, आज भी मैं इसी बात को सेम में रिपीट कर रहा हूं। मुझे क्या लगता है ब्रे वाइट और लेनाइट दोनों का जो मैच होने वाला, उस मैच के अंदर अंकल हॉडी आएंगे डिस्टर्ब करने या फिर ब्रे वाइट के ऊपर अटैक करने, जिसके कारण क्या होगा हमारे जो ब्रे वाइट है वो फिंड के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिंड वर्सेस लेनाइट हमें फेस ऑफ वगैरह कुछ भी देखने को मिल सकता है। और हाँ ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस बार का रॉयल रंबल के अंदर, आपको सारा कुछ इनके बारे में देखने को मिल सकता है। भाई सच में अगर रॉयल रंबल के अंदर अगर देखने को नहीं मिला, मैं बहुत ज्यादा पर्सनली गाली देने वाला हूं, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं इनके चक्कर में। आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या फिंड वर्सेस अंकल हॉडी हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा? तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने सबसे मेन न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा हमारे सैमी ज़ेन से रिलेटेड। आखिर सैमी ज़ेन कब फूटेंगे, सैमी ज़ेन का गुस्सा कब फूटेगा ब्लडलाइन के अगेंस्ट, फिर से कब सैमी ज़ेन को बेइज्जत करके निकाला जाएगा ब्लडलाइन से बाहर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रॉक 13 यूनिवर्सिटी जो कि परसों होने वाला, परसों के दिन सैमी ज़ेन और रोमन रेंज को दोनों एक सेगमेंट रखने वाले हैं डब्ल्यू बहुत बड़ा, उसके अंदर रोमन रेंज यही सवाल पूछने वाले हैं सैमी ज़ेन से कि मुन्ना जब मैं पावर बॉम्ब खा रहा था यहाँ पर केविन ओवंस से,
से तुम कहां थे आखिर, जिसका जवाब सैमी जेन के पास नहीं होगा। लिटरली आप मेरा भरोसा कीजिए, आपको रॉयल रंबल के अंदर सैमी जेन हील टर्न करते हुए दिख सकते हैं। इसका आपको टीजर भी देखने को मिलता है, परसों रॉ का 13 एनिवर्सरी होने वाला, उसके अंदर आपको पूरा इसका टीजर देखने को मिलेगा। वैसे सच में अगर अकॉर्डिंग टू स्टोरी लाइन अगर देखा जाए तो भाई सैमी जेन के साथ तो गलत हो रहा है, तो सबको दिख रहा है। आपको क्या लगता है सैमी जेन को कब तक ब्लड लाइन से बाहर भगाया जा सकता है? सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर से दे सकते हैं। हां, आज चैनल के ऊपर सेकंड वीडियो भी आने वाला, तो भाई सारे लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और आप लोग अगर मेरे से पर्सनली बात करना तो भाई सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाएगा, मैं सबसे पर्सनली वहां पर बात करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।